विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये पंक्तियाँ आप सभी लोगों ने सुनी होंगी। इन पंक्तियों को हिंदुस्तान के संविधान में हमने झंडे गीत के तौर पे लिया था। तो आज पगडंडी की जो टीम है वो पहुंची है नैनीताल रोड में। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित है और आप सभी लोग पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हम लोग नैनीताल रोड हल्द्वानी में हैं और यहाँ पर आपको एक गेट पर ताला पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये ताला इस गेट पे नहीं है, ये हल्द्वानी की व्यवस्थाओं पर भी ताला है, क्योंकि यहाँ पे आगे आपको एक बहुत लंबा सा पोल दिखाई देगा। यही जगह थी जब सन 2018 में यहाँ के जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने उत्तराखंड का सबसे बड़ा झंडा इस जगह पे फहराया था। उत्तराखंड का सबसे बड़ा झंडा, यानी कि हमारा जो तिरंगा झंडा है, देश का सबसे बड़ा झंडा उत्तराखंड का यहाँ पे फहराया गया था। लेकिन व्यवस्थाओं की पोल ये झंडा खोलता है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई झंडा नहीं है। और ये झंडा आज से नहीं, कई दिनों से, कई महीनों से नहीं फहराया गया है। और हम इस व्यवस्था की पोल खोल सकते हैं क्योंकि ये झंडा यहाँ पर होना चाहिए था। ये हमारे शहर की शांति, ये हमारे प्रदेश की शांति, हमारे देश की शांति, लेकिन झंडा नदारद है और साथ में व्यवस्थाएं भी नदारद हैं। चुनाव आते गए, नेताजी बदलते गए। हम अपने उत्तराखंड राज्य में देखें तो अभी तक 16 हमने नए सीएम के चेहरे देख लिए हैं। 16 सीएम के चेहरे देखने के बावजूद भी व्यवस्थाएं किस तरीके से ख़राब हैं, किस तरीके से बदतर हैं, वो इस झंडे को देख के पता चल सकता है। गेट में ताला लगा हुआ है, गेट के अंदर कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। कई सारी लाइनें लिखी गई हैं, पुष्प की अभिलाषा कविताओं की पंक्तियां लिखी गई हैं, सुमित्रानंदन पंत की कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन गेट पे क्या लगा हुआ है? गेट पे लगा हुआ है ताला, और आम जनता गेट के अंदर नहीं जा सकती है। तो नेताजी आइए, ध्यान दीजिए और हमारे झंडे को ऊँचा कीजिए। अभी हम जीवन सिंह जी के साथ हैं, तो यहाँ पर जो झंडा लगा हुआ था या लगा होना चाहिए था, उसके बारे में जीवन सिंह जी कुछ बताना चाहते हैं। तो सुनिए जीवन सिंह जी क्या कहना चाहते हैं झंडे के बारे में। तो ऐसा है, हमने इसको नेशनल जब होता है, नेशनल फेस्टिवल, उसी में देखते हैं, राष्ट्रीय उत्सव में, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के दिन तो होता ही था ये। और वैसे तो कभी नहीं देखा नॉर्मली। तो आपको क्या लगता है कि ये झंडा हमेशा लगे रहना चाहिए या खाली 3 दिन जो हमारे नेशनल उत्सव होते हैं उसमें ही लगे रहना चाहिए? अभी तो पता नहीं यार, ये तो यहाँ के शासन प्रशासन बताएं। वैसे इतना खर्चा करके तो लगातार रहना चाहिए, थोड़ा मन में भी उससे राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होती है ना झंडा देख के। हम लोग वहाँ जा रहे थे तो गेट पर लगा हुआ था ताला, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को वहाँ घूमने देना चाहिए या फिर इसको अलग से? 5 या 6 बजे से खुलता है ताला, ये इसका ताला भी खुलता है, तो अभी खुला है, उसका ताला खुलता है 6 बजे से। तो ये झंडा, मतलब आपका कहना ये है कि हमेशा लगे रहना चाहिए खाली? जी, मन में भावना भी आती है उससे देश के बारे में। और तो बताना। तो हमारे साथ यहाँ पे एक और व्यक्ति मौजूद हैं जो झंडे के बारे में कुछ अपना अलग मत रखना चाह रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। नाम बताइए। करम सिंह। करम सिंह, अरे ऐसा है, झंडा तो लगाते हैं लेकिन वो बारिश में और हवा में पूरा फट जाता है, इसके चक्कर में ज़्यादा ये परेशानी है, इसलिए उतारा रखा है। तो आपको क्या लगता है कि जब झंडा लगाया गया होगा, शुरुआत में एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करी गई थी, तो आपको क्या लगता है कि वो खर्च करी जानी चाहिए थी? अगर फट जा रहा है, इस पहले क्यों नहीं सोचा गया था इस बारे में? सर ऐसा है, ऊंचाई इसकी बहुत 233 ऐसा कुछ मीटर है, तो हवा और बारिश की वजह से फट जा रहा है वो, इसलिए वो उतार देते, जब भी प्रोग्राम होता तो लगा देते हैं। ऐसी बात, तो जो ये झंडा फट जा रहा है, तो आपका कहना भी सही है कि झंडा फट जा रहा है तो इसलिए उतार दिया जा रहा है, लेकिन इसको जब लगाया गया था तो जो घोषणाएं करी गई थी, जो हमारे पूर्व सीएम थे भगत सिंह कोश्यारी जी, उनकी तरफ से लगाया गया था, उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा झंडा लग रहा है, तो हमारे लिए गर्व की बात थी। तो उस टाइम आपको क्या लगता है कि इस बारे में सोचा नहीं गया होगा कि इतना ऊँचा झंडा लगाया जाएगा तो फट जाएगा? क्योंकि और कई जगह पर भी बहुत बड़े बड़े झंडे लगाए जाते, जैसे कि बाघा बॉर्डर पर बहुत ऊँचा झंडा लगाया जाता है, उसमें कोई फटने की दिक्कत नहीं आती है। तो फिलहाल बारिश हो रही है तो इसलिए हमें अपनी वीडियो को जल्दी ख़त्म करना पड़ रहा है। तो झंडे को लेके अलग अलग लोगों के अपने अपने मत हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये झंडा है तो नेशनल पर्व पे लगना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि इसको रोज़ लगना चाहिए, जिससे कि हमारे मन में देशभक्ति की भावनाएं जो होती हैं वो ज़्यादा जागृत रहती हैं। तो सबके अपने अपने मत हैं, हिंदुस्तान है, हर किसी मत का यहाँ सम्मान होता है। तो इसी के साथ पगडंडी की टीम आज की वीडियो को ख़त्म करती है। धन्यवाद। पहाड़ों की ऊँचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूँ से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।